फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्टिंग करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट से। तो देखिए, ये आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन वो रखे गए हैं। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग करेंगे, 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 डेट प्लस 1/156। तो यह एक प्रकार की श्रेणी का क्वेश्चन है और श्रेणी के पदों को योग करना है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो देखिए, इसके फैक्टर्स करेंगे, 1/12 के होते हैं 3 × 12। देखिए, 3 × 12 प्लस 1/20 के करेंगे 4 × 20 प्लस 1/30 के 5 × 30 प्लस ऐसे ही 1/156 के करेंगे 12 × 13। तो देखिए, इस श्रेणी के ये क्रमागत फैक्टर्स है, 12 × 3 × 12, 3 और 4 में क्रमागत संख्या होगा, रिलेशन दिख रहा है, 4 और 5 में भी, 5 और 6 भी, इसी प्रकार 12 व 13 के गुणनफल में। तो देखिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो उन्हें हल करने का एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, जैसे ये एक एक के डिफरेंस वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, इनमें पहले पद में से इसके बाद वाले पद को घटा देते हैं। इस प्रकार के ये बाद वाला पद है और पहले वाला पद ये है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, चाहे जितने भी क्वेश्चन आते हैं, उनको सभी को ऐसे ही किया जाएगा और यही आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए, 1/3 में से 1/13 घटाएंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा 13 × 13 और 3 × 3। देखिए, 13 − 3 और बटे दोनों का गुणनफल करेंगे, 13 × 3 = 39। तो 13 में से 3 घटाएंगे, 10 × 39। तो देखिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 10/39, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं। देखिए, 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110। तो यह क्वेश्चन भी एक श्रेणी का ही है और इसमें भी सभी पदों का योग किया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम सेम इसी मेथड से करेंगे। तो देखिए, 1/30 को लिखेंगे 5 × 30 प्लस 1/42 को लिखेंगे 6 × 7 = 42 प्लस 1/56 को लिखेंगे 7 × 56 और प्लस इसी तरह हम इसके लास्ट पद को लिखेंगे 1/10 × 11 की गुणा करके लिखेंगे 10 × 11 = 110। तो देखिए, इस प्रकार की श्रेणी में भी एक एक का अंतर है, तो इस प्रकार के पदों का योग भी सेम इसी मेथड से हल किया जाएगा। तो देखिए, पहले पद में से इसका लास्ट वाला पद हम घटा देंगे। तो देखिए, यहां पर इसको हल करेंगे, 1/5 में से 1/11 घटाएंगे और अब इसको हल करेंगे, 11 और 5 की गुणा, 11 × 55 हो जाएगा, 11 × 11 = 5 × 5 तो 11 − 5 = 6/55। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 6/55, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुपर कॉन्सेप्ट है ये। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सुपर क्वेश्चन आपके सामने, देखना, रूट में 7 + 2 √10 का मान बताएं। देखिए, दिया गया क्वेश्चन बड़े रूट के अंदर है 7 + 2 और छोटे रूट में है 10, तो 7 + 2 √10 का मान बताना है। तो देखिए, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत इजीली तरीके से इस तरीके से किया जाएगा कि जो छोटे रूट के अंदर जो संख्या होती है, जैसे कि यहाँ पर 10 दिया है, तो इसके दो ऐसे फैक्टर्स करते हैं जिनका योग 7 आ जाए।
तो देखिए दस के से फैक्टर्स करेंगे, पांच दूनी दस, देखो पांच और दो को जोड़ेंगे सात आता है, और क्योंकि ये रूट के अंदर है ये दस, तो इस दस के फैक्टर्स जब होते हैं पांच दूनी दस तो इनको रूट में ही लिखा जाता है। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन बनता है वो बहुत ही प्यारा होता है। देख लीजिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, बड़े रूट के अंदर, देखो इस बड़े रूट के अंदर जब इसके टुकड़ों को जोड़ा जाएगा पांच और दो सात, इसके बराबर हो जाता है, तो बड़े रूट के अंदर इन्हीं टुकड़ों को रूट में लिख देते हैं। देखिए जो ये छोटा रूट है रूट दस, तो इसके टुकड़ों को पांच और दो को रूट के अंदर लिखते हैं रूट पांच और प्लस रूट दो का होल स्क्वायर करते हैं ऐसे, तो यानी कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं और तब हमारा आंसर हो जाता है। देखो इस स्क्वायर से इस वर्ग से ये वर्गमूल हट जाएगा, तब हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रूट पांच प्लस रूट दो। देखिए आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इस तरीके से, और वैसे अलग भी मेथड होता है लेकिन वो काफी आपको बड़ा पड़ेगा, काफी डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, ये बिल्कुल इजी तरीका है। और इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। देखिए बड़ा रूट आठ प्लस दो रूट है पंद्रह का मान बताए, तो वही तरीका सेम जो ये रूट में पंद्रह लिखा हुआ है। और इसकी एक खास पहचान ये भी ध्यान रखना, जो छोटे रूट में संख्या इससे पहले यहाँ दो जरूर होना चाहिए, जैसे कि यहाँ दो हो, अगर दो नहीं है तो लाएंगे या बनाएंगे तभी ये कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए पंद्रह के फैक्टर जिनका जोड़ आठ आता हो पांच किए पंद्रह, पांच और तीन को जोड़ेंगे आठ, और इस प्रकार फिर इसी तरह से लिख लेंगे इसको बड़े रूट में, ये रूट के अंदर टुकड़े करके लिखे जाते हैं रूट पांच प्लस रूट तीन का होल स्क्वायर, और इस होल स्क्वायर से वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, तब हमारा आंसर हो जाएगा रूट पांच प्लस रूट तीन। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर बहुत इजी हो जाता है, तब हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और आप इनको इसी तरीके से इजी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, सात माइनस बिग ब्रैकेट पांच माइनस मंझला ब्रैकेट छह माइनस छोटा ब्रैकेट पांच माइनस चार और ये बार ब्रैकेट माइनस तीन छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट को सरल कीजिए। मतलब देखिए ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है डिजिट के रूप में और इसमें रेखा कोष्टक छोटा कोष्टक मंझला कोष्टक और बिग कोष्टक, यानी कि ये इस प्रकार इन कोष्टकों के अंदर ये संख्या लिखी हुई है, तो इनको बहुत इजीली तरीके से हल करेंगे। देखिए जब कोष्टकों के अंदर संख्या आती है तो सबसे पहले ये देखते हैं, इसमें ये हमारा रेखा कोष्टक होता है, इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक, फिर इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, फिर इसको बोलते हैं मंझला कोष्टक, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक बिग ब्रैकेट। तो देखिए इस प्रकार के कोष्टकों में जब डिजिट्स आती है तो उसको हल करते हैं छोटे कोष्टक के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर हम इसको हल करेंगे, छोटे कोष्टक का अर्थ ये है ये रेखा कोष्टक होता है, इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक, तो इससे इसको हल करेंगे पहले, इसका मतलब यही है पहले इसको खोलेंगे, तो चार में से तीन घटाएंगे एक, देखिए चार में से तीन घटाएंगे एक माइनस का रह गया, पांच में से एक घटाएंगे चार यहां तक चार रह गया, और छह में से चार घटाएंगे दो, और पांच में से दो घटाएंगे तीन तीन रह गया, और सात में से तीन घटाएंगे चार, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया चार। बहुत इजी है, एक बार फिर देख लीजिए।
चार में से तीन घटाएंगे एक, एक बच गया, अब पांच में से एक घटाएंगे चार, देख लीजिए चार बच गया, अब चार में से सॉरी छह में से चार घटाएंगे दो, और पांच में से दो घटाएंगे तीन, और सात में से तीन घटाएंगे चार, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी चार। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है हमारा और इजी है बहुत ही, देखिए रेखा कोष्टक को हल करेंगे, एक में से एक घटाएंगे जीरो, अब देखिए माइनस जीरो रह गया कुछ नहीं रहा, फिर एक में से इसको घटाएंगे एक को जीरो, ठीक है यहां तक जीरो हो गया इधर तक, और एक में से घटाएंगे एक तो जीरो, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जीरो होता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये और कर सकते हो आप, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है ये सभी।